children, welcome to online lecture for first standard. Today we will learn subject English and we will learn unit 7 lesson number 3 the egg. Unit 7 का lesson number 1 traffic rule हम लोगों ने पढ़ चुके, अभी lesson number 3 the egg पढ़ेंगे. Egg का मतलब तो आप सबको मालूम है, ये egg का मतलब ये होता है, आपको पता है ना, अंडा. Baby parrot lived in a nest with mummy and a big white egg. I am going to find some food, said mummy one day. बेबी पैरेट यानी क्या, ये तो ये छोटी सी पैरेट है ना, इसको बेबी बोलते हैं, और ये इसकी मम्मी है बड़ी, ये बिग मम्मी पैरेट है और ये बेबी पैरेट है. तो बेबी पैरेट है ना, नेस्ट यानी क्या, जो इन लोगों का घोंसला होता है ना, इसमें अपनी मम्मी के साथ और एक वाइट एग, एक एग यानी ये एग था, उसके साथ दोनों मम्मी और बेबी पैरेट रहते थे. तो एक दिन उसकी मम्मी ने उसको क्या बोले कि आई एम गोइंग टू फाइंड सम फूड, सेड मम्मी वन डे. यू मस्ट लुक आफ्टर द एग अनटिल आई रिटर्न. तो मम्मी पैरेट ने बेबी पैरेट को क्या बोली कि मैं है ना खाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ आपके लिए, तो जब तक मैं वापस नहीं आती तो आप है ना एग को देखो, यानी एग की केयर करो. बेबी पैरेट वॉच द एग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. शी मूव्ड इट अराउंड टू मेक श्योर इट वॉज कम्फर्टेबल. शी रैप्ड हर विंग्स अराउंड इट टू मेक श्योर इट वॉज वॉर्म. ये जब मम्मी ने बेबी पैरेट को बोले कि तुम एग का ध्यान रखना, और मम्मी चले गए मम्मी पैरेट फूड खाना ढूंढने, तो बेबी पैरेट ने क्या किया, बहुत ध्यान से एग को देखने लगे, बहुत देर तक एग को देखे. फिर उसके बाद बेबी पैरेट ने क्या किया, एग के आजू बाजू में घूमे, फिर अपना जो ये विंग्स है ना पर पर मतलब एग के पास ऐसे रैप कर दिए कि एग एकदम वार्म यानी गर्म रहे. कभी भी देखो जो ये बर्ड्स होते हैं ना, अपने जो फेदर्स होते हैं ना वो एग के ऊपर रखते हैं ना, तो उससे एग एकदम वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है. तो शी मूव्ड इट अराउंड टू मेक श्योर इट वॉज कम्फर्टेबल. एग को एकदम उसने ध्यान से थोड़ा हिला के भी देखी कि एग मतलब अच्छे से कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ. शी रैप्ड हर विंग्स अराउंड इट टू मेक श्योर इट वॉज वार्म. और अपने जो पर है ना फेदर्स, उसको एग के आसपास रैप कर दी ताकि एग वार्म रहे. आई एम वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर एग, शी थॉट. तो बेबी पैरेट ने क्या सोची कि मैं बहुत अच्छी केयर टेकर हूँ, यानी मैं बहुत अच्छे से एग का ख्याल रख रही हूँ, वो खुद अपने मन में सोच रही है. अभी आपके भी लोगों पेरेंट्स कभी कभी आपको बोलते हैं कि आपके छोटे बहन भाई का ध्यान रखो, तो आप लोग भी एकदम खुशी खुशी अपने भाई बहन का ध्यान रखते हैं और बोलते हैं ना मम्मी को कि हाँ फिक्र मत करो, मैं अच्छे से अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखूँगा. तो ऐसे बेबी पैरेट ने भी सोची कि मैं बहुत अच्छे से एग का ख्याल रख रही हूँ. Just then she heard the monkeys playing in the tree. Baby parrot tried to call like a monkey. फिर थोड़ी देर के बाद बेबी पैरेट ने क्या देखे कि मंकीज तो आपको मालूम है ना क्या है, बंदर, वो सब झाड़ पर खेल रहे. तो बेबी पैरेट ने भी ने अपने आप को मंकी के जैसे मतलब मंकी की तरह उसने भी आवाज़ निकालने लगी. She peered over the edge of the nest and laughed at their games. She peered over the edge of the nest यानी क्या, देखो बेबी पैरेट ना यहाँ पर इस पर थी, नेस्ट में थी अंदर, जैसे उसने मंकी की आवाज़ सुनी ना तो एकदम धीरे से मतलब ऐसे नेस्ट में से अपना सर निकाल के बाहर देखने लगी, उसको बोलते हैं पीयर्ड, निकाल के देखने लगी और उनके गेम्स को देखकर हंसने लगी. अब आपको पता है ना मंकीज कितना उछलते हैं, यहाँ से वहाँ से कूदते उछलते, फ्रूट्स तोड़ते, एक दूसरे के ऊपर फेंकते, बहुत उन लोग मस्ती करते मंकीज. तो बेबी पैरेट अपने नेस्ट में से थोड़ा सा सर निकाल के उनको देखने लगी और हंसने लगी. सडनली बेबी पैरेट रिमेंबर्ड द एग. फिर अचानक बेबी पैरेट को याद आ गया कि अरे मुझे तो एग की देखभाल करना है, मम्मी पैरेट ने बोला था कि एग का ध्यान रखना. शी लुक्ड अराउंड एंड गल्प, इट वॉज ब्रोकन. और जैसे उसने अपने आसपास मतलब देखा एग को, तो वह एकदम शॉक हो गई कि एग है ना ब्रेक हो चुका था, देखो ऐसे टूट गया था, ब्रेक हो गया था एग. मम्मी वुड बी एंग्री बट वैन मम्मी रिटर्न शी वॉजंट एंग्री एट ऑल. अब बेबी पैरेट एकदम डर गई क्योंकि उसके मम्मी ने क्या कहा था कि एग का ध्यान रखना, एग की केयर करना, अब लेकिन एग तो ब्रेक हो गया, टूट गया. अब बेबी पैरेट डर गए कि अभी मम्मी आएंगे तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन जैसे मम्मी पैरेट आए तो मम्मी पैरेट ने उनको ज़रा भी बेबी पैरेट को गुस्सा नहीं किया. डोंट वरी मम्मी सैड एज अ लिटिल पैरेट पोप्ड आउट ऑफ द ब्रोकन एग शेल. तो मम्मी ने क्या बोले, मम्मी पैरेट ने बेबी पैरेट को, फिक्र मत करो, तुमको एक छोटी सी बेबी छोटी सी पैरेट आई है तुम्हारे साथ खेलने के लिए. देखो ये जो एग होता है ना, जब बर्ड्स ये एग देते हैं ना, तो ये एग के ऊपर वो लोग बैठते 20 डेज या 22 डेज बैठ के ना इसको वार्म करते, गर्म करते, फिर उसमें से ना जब 22 डेज के बाद अपने आप वो एग है ना ब्रेक हो जाता है और उसमें से छोटा सा बेबी निकलता है, बेबी पैरेट. तो मम्मी ने क्या बोली उसको, बेबी पैरेट को, कि डोंट वरी, तुमको एक छोटी सी पैरेट मिल रही है खेलने के लिए. द एग हैज़ हैच्ड व्हाइल आई वॉज अवे. यानी मम्मी पैरेट ने क्या बोली कि जब मैं खाना ढूंढने गई तो एग हैच हो गया. हैच का मतलब है इसमें से एक बेबी पैरेट और निकला है, तो एग में से बेबी पैरेट को निकलने को बोलते हैं हैच.
नाउ यू हैव गॉट अ न्यू बेबी सिस्टर टू प्ले विद। तो मम्मी पैरेट ने बेबी पैरेट को क्या बोले कि तुमको एक अभी न्यू सिस्टर बेबी सिस्टर मिली है खेलने के लिए, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो कि एग मतलब ब्रेक हो गया तो मैं तुमको डांटूंगी, बिल्कुल नहीं। इस वजह से तुमको एक न्यू सिस्टर आई है खेलने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। वंस अगेन आई एम रीडिंग दिस लेसन फॉर यू। बेबी पैरेट लिव्ड इन अ नेस्ट विथ मम्मी एंड अ बिग वाइट एग। आई एम गोइंग टू फाइंड सम फूड, सेड मम्मी वन डे। यू मस्ट लुक आफ्टर द एग अंटिल आई रिटर्न। बेबी पैरेट वॉच द एग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। शी मूव्ड इट अराउंड टू मेक श्योर इट वॉज कम्फर्टेबल। शी रैप्ड हर विंग्स अराउंड इट टू मेक श्योर इट वॉज वॉर्म। आई एम वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर एग्स, शी थॉट। जस्ट देन शी हर्ड द मंकीज प्लेइंग इन द ट्री। बेबी पैरेट ट्राइड टू कॉल लाइक अ मंकी टू। She peered over the edge of the nest and laughed at their games. Suddenly, baby parrot remembered the egg. She looked around and gulped. It was broken. Mummy would be angry, but when mummy returned, she wasn't angry at all. Don't worry, mummy said, as a little parrot poked out of the broken eggshell. The egg has hatched while I was away. Now you have got a new baby sister to play with. तो हम लोगों ने लेसन में क्या पढ़ा कि एक एग है जिसकी बेबी पैरेट केयर कर रही है, और बाद में वो एग ब्रेक होकर उसको एक न्यू बेबी सिस्टर खेलने के लिए मिल गई। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू।